हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे टीवीएस स्पोर्ट की फाइनेंस के बारे में। और दोस्तों, इस बाइक के अंदर आपको फिलहाल दो ऑफर देखने को मिलेगा, और वो क्या है, आप कैसे ले सकते हो, उसके बारे में डिटेल में टीवीएस रेडियन की वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कार्ड में जाकर देख सकते हो। एनीवेज, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप लो डाउन पेमेंट के तहत 5,555 रुपए डाउन पेमेंट देके इस बाइक को फाइनेंस करते हो तो हर महीने आपको कितना ईएमआई देना होगा, इस बाइक की टोटल कॉस्ट कितना आएगा, और सबसे जरूरी बात, आपको कितना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे देना होगा इंटरेस्ट के नाम पर, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन मेन टॉपिक में जाने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, 2022 खत्म होने से पहले 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, और इस वीडियो के लाइक टारगेट है 200। तो बेसिकली टीवीएस स्पोर्ट इस बाइक के अंदर आपको दो मॉडल मिलता है, लेकिन आज मैं आप सभी को स्पेशली सेल्फ स्टार्ट मॉडल के बारे में बताऊंगा, जिसका फिलहाल एक शोरूम प्राइस है 67,543 रुपीज। लेकिन अगर फाइनेंस को छोड़ के कैश पेमेंट देकर खरीदना चाहते हो तो आपको देना होगा इस बाइक की ऑन रोड कीमत जो है 85,000। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है ऑन रोड प्राइस हर एक जगह अलग अलग होता है। छोड़िए, ये तो गई कैश पेमेंट की बात। अगर आप इस बाइक को फाइनेंस में लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जमा करना पड़ेगा डाउन पेमेंट, और न्यू ऑफर के तहत डाउन पेमेंट सेट किया है 5,555 रुपए। तो अगर आप ऑन रोड प्राइस से डाउन पेमेंट को माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा लोन अमाउंट आएगा 79,435 रुपीज। लेकिन यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं है, क्योंकि इस लोन अमाउंट की 6% प्रोसेसिंग फीस एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के नाम पर आपको देना होगा, और 79,445 रुपीज की 6% होता है 4,766 रुपीज, और अदर चार्जेस के नाम पर आपको देना होगा 2,000। तो इन सभी चार्जेस को एड करके एक्चुअल लोन अमाउंट आएगा 86,211 रुपीज। तो अगर आप इस लोन अमाउंट को 14% इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक साल तक फाइनेंस करेंगे तो हर महीने आपको ईएमआई देना होगा 8,190 रुपए, जो डाउन पेमेंट से भी ज्यादा है। ऐसे ही 1.5 साल के लिए आपको देना होगा 5,790 रुपए, 2 साल के लिए 4,590 रुपए, 2.5 साल के लिए 3,870 रुपए, और मैक्सिमम 3 साल के लिए हर महीने आपको देना होगा 3,400 रुपए का ईएमआई। ये तो गई ईएमआई की हिसाब किताब। लेकिन इंटरेस्ट के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी चीज आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप फाइनेंस करने की टाइम डाउन पेमेंट ज्यादा देंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे कम देना होगा इंटरेस्ट के नाम पर। लेकिन अगर आप लो डाउन पेमेंट करके इस बाइक को फाइनेंस करेंगे और दूसरी कोई बाइक हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे देना होगा इंटरेस्ट, जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इनवेस्ट अगर आप फाइनेंस करते हो 1 साल के लिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देना होगा 12,069 रुपए, 1.5 साल के लिए आपको देना होगा 18,103 रुपए एक्स्ट्रा, 2 साल के लिए फाइनेंस कंपनी आपसे लेगा 24,138 रुपए, 2.5 साल के लिए 30,172 रुपए, और मैक्सिमम 3 साल के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देना होगा 36,207 रुपीज। और लास्ट में टोटल कॉस्ट के बारे में बताने से पहले आप एक बार बाइक की ऑनर प्राइस देख लो। तो दोस्तों, अगर फाइनेंस करते हो इस बाइक को तो 1 साल की बाद सब कुछ मिला के टोटल कॉस्ट आएगा 97,069 रुपीज, 1.5 साल की बाद 1,03,103 रुपीज, 2 साल की बाद 1,09,138 रुपीज, 2.5 साल की बाद 1,15,172 रुपीज, और मैक्सिमम 3 साल की बाद सब कुछ मिला के टोटल कॉस्ट आएगा 1,21,207 रुपीज। तो दोस्तों, ये था टीवीएस स्पोर्ट की फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।